अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आपको जगाने के लिए हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ आमना खटाना आ गई हैं आपकी खिदमत में। और आपको जागना भी पड़ेगा, पूरा लाहौर जागेगा, क्योंकि आज प्रोग्राम में हम बहुत मज़े की बातें करने वाले हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें भी होने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आज जब मैं आ रही थी सुबह तो मैं ये फील कर रही थी कि यार मैं कुछ डाउन हूँ, इसकी वजह क्या है। लेकिन जैसे ही मैं जागो लाहौर के सेट पे आई तो मैं कुछ एनर्जेटिक फील करना शुरू हो गई, कुछ अच्छा फील करना शुरू हो गई, क्योंकि आपसे इंटरेक्ट करना था। तो ये सबसे मज़े की बात होती है। और डाउन फील होने की वजह ये है कि असल में जाड़ा आ गया है। हम सर्दी का वेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब नवंबर आता है हम कहते हैं उस तरह से सर्दी नहीं आ रही, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन आज हम आए तो दिसंबर का, आज 4 दिसंबर था, तो फील हो रहा था कि आज सर्दी आ गई हुई है फाइनली। लेकिन इस सर्दी के साथ साथ हमारी तबीयत पर भी कुछ ना कुछ बोझलपन है। जो मैं बता रही थी आपको कि मैं डाउन फील कर रही थी, उसकी वजह शायद यही थी कि हम उस तरह से अपना ख्याल नहीं कर पा रहे। अभी मेरा प्रोड्यूसर था, वो भी मुझे क्यों दे रहा था, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, इस तरह से आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद वो भी डाउन फील कर रहा, उसका गला कुछ दिनों से ख़राब था और वो बार बार यही कह रहा था कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आप सुन लीजिएगा। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले एक रिसर्च शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। कल हमने बात की थी डिसेबल्स के हवाले से और डिसेबल्स के हवाले से हमने रिसर्च भी ऐड की थी, लेकिन आज जो रिसर्च है वो भी डिसेबल्स के हवाले से, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है और मैं शेयर करवा रही हूँ आप लोगों के साथ। माजूरों के लिए दुनिया का पहला वाटर पार्क बना दिया गया। जी हाँ, हम सुनते थे पहले कि सेहतमंद अफराद के लिए बनाया जाता है पार्क, लेकिन अब माजूर भी इसको एंजॉय कर सकेंगे। माजूरों के लिए बनाए गए वाटर पार्क के बारे में आपको हम बताएं तो अब माजूर अफराद भी सेहतमंद लोगों की तरह पानी में एंजॉय कर सकेंगे। ये स्विमिंग वाटर यहाँ पे होगा और अमेरिका में ये बनाया गया है माजूरों के लिए दुनिया का पहला वाटर पार्क। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर भी, माजूर अफराद अब वाटर पार्क के मजे इस तरह से उड़ा सकेंगे कि अमरीकी रियासत टेक्सास में वाटर पार्क को खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए ये तामीर किया गया है। और इस वाटर पार्क में तालाब, फाउंटेन्स और वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हम देखते हैं कि नॉर्मल अफराद के लिए होती है या सेहतमंद अफराद के लिए होती है। जिस तरह से वो एंजॉय करते हैं, इस तरह से ये माजूर अफराद भी अब एंजॉय कर सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर सुबह सुबह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वाटर पार्क को ऐसे डिजाइन किया गया है कि माजूर बच्चे व्हीलचेयर पर बैठकर ना सिर्फ पूरे वाटर पार्क की सैर कर सकते हैं, बल्कि व्हीलचेयर पर बैठकर ही मुख्तलिफ वाटर गेम्स भी खेल सकते हैं और स्विमिंग पूल में स्विमिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से एंजॉय करें, इनकी भी ख्वाहिश होगी, यकीनन इनके भी जज्बात होंगे। उस जज्बात को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हम देख सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा मंसूबा शुरू किया इन्होंने। बहरहाल पार्क में ऐसे स्विंग्स हैं जिन पर व्हीलचेयर पर ही बैठे बैठे आसानी के साथ झूला झूला जा सकता है। इस पार्क की सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि इस वाटर पार्क में माजूर अफराद का दाखिला बिल्कुल मुफ्त है और पार्क इंतजामिया की जानिब से वाटर पार्क में आने वाले तमाम बच्चों को एक खास वाटर प्रूफ ब्रेसलेट पहनाया जाता है, अरे वाह जी, जो कि GPS सिस्टम से आरास्ता होते हैं, जिसकी मदद से बच्चों को बआसानी तलाश किया जा सकता है। अमूमन हमने देखा कि बच्चे जब पार्क में जाते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे झूले होते हैं, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल तो हो जाते हैं, लेकिन उनको ढूंढने के लिए ये बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने मुतारिफ करवाया है। बहरहाल हम बात कर रहे थे स्विमिंग पूल्स में अगर पानी के टेम्परेचर की हम बात करें तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है ताकि पानी का मेयार बेहतर रहे और ये बच्चे सेहतमंद भी फील करें, ठंडा गर्म ना हो जाए, उनको उस तरह से सर्दी ना लगे, इसलिए टेम्परेचर को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। तो जनाब हमने आपको ये रिसर्च बता दी, अपनी पहली रिसर्च। अब हम अपनी दूसरी रिसर्च की जानिब जाते हैं और अपनी दूसरी रिसर्च आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये रिसर्च है कुतबी रोशनियों का खला से खूबसूरत नज़ारा। बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, आपने बड़े ध्यान से सुननी है। मैं बता दूं आपको, आपने साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में तो सुना होगा, इससे फूटने वाली खूबसूरत और रंगीन रोशनियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रोशनियां सूरज की रोशनी के ज़रात के ज़मीन की फ़ज़ा से मखसूस टकराव के नतीजे में पैदा होती हैं। चंद मखसूस अयाम में रात के वक्त फूटने वाली ये रोशनियां सिर्फ साउथ पोल और नॉर्थ पोल के इलाके में ही पैदा होती है। इसी तरह नासा के एक खलाबाज ने ज़मीन से 250 मील के फासले से इन रोशनियों की नहायत खूबसूरत वीडियो जारी की है और आपको ये वीडियो दिखाते हैं। तो जनाब आपने अच्छी सी रिसर्च देख ली, आपने यकीनन मनाजिर भी हमने आपके साथ शेयर किया, आपने एंजॉय किया होगा। जिस तरह से मैं आगाज़ में ये बात कर रही थी कि आज जैसे मौसम तब्दील हो गया है और सर्दी में थोड़ा सा इजाफा हो गया, तो उसके साथ साथ हमारी सेहत पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। किसी को कोई गले का इशू आ रहा है, फ्लू हो रहा है, या सबसे ज़्यादा जो मैंने नोटिस किया वो ये कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। उसकी वजह क्या है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। आज प्रोग्राम में हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे, आयशा नासिर। वेलकम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी तक बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली आप अपनी डाइट का ख्याल रखती होंगी, उस तरह से तो आप बिल्कुल ठीक और हशाश बशाश फील करती होंगी नहीं अभी तक तो? अच्छा आयशा, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि हमने ये देखा कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है या सर्दी आ जाती है या गर्मी आ जाती है, तो सबसे पहले जो असर अंदाज होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इम्यूनिटी आजकल इतनी ज़्यादा नहीं रही, लोग इतने इम्यून नहीं रहे मौसमी, उसकी वजह से मौसमी चेंजेस को, और उसकी वजह है डाइट में ख़राबी। जब आपकी डाइट ही बैलेंस नहीं होगी तो जाहिर है इम्यूनिटी जो है वो आपकी लो हुई होगी। इसी वजह से कोई भी चेंज आता है तो साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम या फ्लू बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये जो हमारे आप जिस तरह से फ्लू की बात करी थी, इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई ताल्लुक? नहीं, ऐसे कोई ताल्लुक नहीं होता, बट दो चीज़ें आपकी बहुत वीक हुई होती हैं मौसमी चेंज की वजह से, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर्टिकुलरली सर्दियों में ज़्यादा इफेक्ट हुआ होता है। उसकी वजह ये होती है इम्यूनिटी आपकी एक तो ख़राब हुई होती है, दूसरा मौसम सर्दी में ज़रा फ्लू वगैरह होने का चांस ज़रा ज़्यादा होता है, और अगर आपने डाइट अपनी बैलेंस नहीं रखी हुई तो आप ज़्यादा प्रॉन हो जाते हैं ऐसे किसी भी मसले। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम अपने स्टमक का ख्याल रखना है? स्टमक का ताल्लुक है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, तो किस तरह से उसका ख्याल करें हम? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल करने के लिए पहले तो ये है कि आप फैट कौन सा इस्तेमाल करें। अनहेल्दी फैट इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना। दिल करता है ये चीज़ें खाने का, हलवा पूरियाँ खाने का, बिल्कुल ऐसे ही है। नाश्ता भी हैवी हो, और शाम में चाय में भी समोसों के साथ आपने चाय लेनी है, या कबाब के साथ कोई तली हुई चीज़ अमूमन शाम में भी प्रेफर की जाती है। मूँगफली है तो वो बैठे बैठे पूरी फैमिली ने किलो खा जानी है और पता भी नहीं चलना, तो जाहिर है फिर इस वजह से हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने अपना ऑयल बैलेंस रखना है सर्दियों में। फिर उसको किस तरह से बैलेंस करें? देखें, पराठा ना खाएं, अवॉइड करें। पराठा खाएं आप, लेकिन 1 से 1.5 चम्मच देसी घी में पका हुआ पराठा खाएं। देसी घी अगर आप सुबह के टाइम खाते हैं वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है आपके। उसके बाद आपने जो कुकिंग करनी है आप ऑलिव ऑयल में करें। अगर आपके घर में 10 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 20 टी स्पून जो ऑयल है ऑलिव ऑयल, उसके अंदर आपका 2 वक्त का खाना बनेगा। ऑलिव ऑयल में हम ऑलिव ऑयल में बनाएं, और 1 वक्त के 1 बंदे के खाने में 1 टीस्पून होता है, तो अगर लेट्स सपोज 6 लोग हैं तो 12 चम्मच में 2 वक्त का खाना बनेगा। ऑयल की अपनी क्वांटिटी को मॉनिटर कर लें। बहुत सारे मसले हार्ट से रिलेटेड हो जाएं, शुगर से रिलेटेड हो जाएं, वो तो इसी से आपके कंट्रोल हो जाएंगे। जहाँ तक बात है मौसमी फल की, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। विटामिन सी है आजकल जो फ्रूट्स अवेलेबल है उसके अंदर, बिल्कुल मौसमी, किन्नू, माल्टे वगैरह, इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जिंक भी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, जिंक मछली के अंदर है। देखिए, मछली भी आजकल अवेलेबल है। अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम ही ऐसा बनाया है जिस मौसम में जौन सी चीज़ चाहिए वो हमें अवेलेबल होती है। अच्छा आयशा, मैंने ये नोटिस किया है, या शायद मुझे ही लगता है, जब मैं फिश खाती हूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नींद आती है, और अच्छी नींद आती है कहीं। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं। आप ज़्यादा खा लेती होंगी, ज़्यादा खाने की वजह से वो थोड़ी सी सुस्ती आ जाती होगी, वरना हरगिज़ ऐसा फिश में है कि कुछ सुस्ती या कुछ डाउन आप फील करें? नहीं, हाँ ये है कि फ़िश के साथ जो स्किन होती है उसके अंदर ऑयल है, फ़िश ऑयल, जो कि हेल्दी भी होता है। अब आपने फिर अपने आप को, अपने जो स्टोमक है उसको ऑयल से भर लिया है, तो इतना ज़्यादा हैवी फूड है, ज़ाहिर है थोड़ी सी सुस्ती तो उसके बाद आ जाएगी। स्किन वैसे अच्छी होती है खाने के लिए? हाँ अच्छी होती है। अगेन, क्वांटिटी आपने मॉनिटर करनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं खा लेनी। फिश ऑयल वैसे बहुत हेल्दी होता है, उसका इंटेक बहुत अच्छा है। और सर्दियां हो या गर्मियां, मैं अपने पेशेंट्स को एक टैबलेट जो कि फिश ऑयल की मिलती होती है मैं ज़रूर रिकमेंड करती होती हूँ, हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, और हमें नाश्ते में क्या करना चाहिए? क्योंकि सुबह उठते हैं, हमने ये सुना है कि सबसे इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे होता है ब्रेकफास्ट, तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि शायद इम्पोर्टेंट मील है तो हमें ज़्यादा खा लेना चाहिए, या पराठा होना चाहिए, कुछ इस तरह का हैवी, तो क्या करना चाहिए? देखिए, इम्पोर्टेंट मील है क्योंकि सुबह उठते साथ ही आपने अपनी बॉडी को एनर्जी देनी है। अगर आप वो नहीं दे पाएंगे बॉडी पूरा दिन अपसेट रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही सबसे इम्पोर्टेंट मील है, लेकिन बैलेंस भी सबसे ज्यादा इसी मील को होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि रोटी चावल ब्रेड वगैरह में होते हैं या सीरियल्स में होते हैं वो होने चाहिए। इसमें दूध की एक सर्विंग होनी चाहिए। अब आप दूध भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, वो एक ही उसमें से हमें प्योर नहीं मिलता। बस एक ये मसला है। बहुत सारे, ज़ाहिर है हम नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है मिल्क की, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध या दही का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। अच्छा। या अगर ये नहीं कर सकते तो एक अंडे का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके साथ आप अगर चाहें तो थोड़े से नट्स ले लें। चाय अगर लेनी है, चूंकि दूध का इस्तेमाल किया उसके आधे से एक घंटे बाद आप चाय का इस्तेमाल करें। अच्छा। प्रेफरेबली एक घंटे बाद, ताकि जितने आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी को मिले। नाश्ते के फौरन साथ चाय मत पिएं। एक ये भी बहुत ज्यादा हो गया है कि नाश्ते के फौरन बाद हम चाय पी लेते हैं सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, बल्कि नाश्ता तो कंप्लीट ही चाय के साथ होता है। बेड टी होती है, उसके बाद नाश्ते के साथ भी चाय। बेड टी तो बहुत ही हार्मफुल है। देखें, उठते साथ ही खाली स्टोमक आप इतनी ज्यादा कैफीन बॉडी को दे रहे हो और फिर वो जो स्टोमक है उसकी लाइनिंग को डिस्टर्ब करती है। कॉफी भी नहीं लेनी, चाय भी नहीं लेनी, बेड पे बैठे बैठे ग्रीन टी भी नहीं लेनी। खाली पेट देखो, एक बंदा बहुत भूखा रहा, आपने उसको एकदम चीज दी और वो भी खोखली, वो उसके फायदे की नहीं है और वो उल्टा उसकी जो स्टोमक की लाइनिंग है उसको खराब करती है। तो शायद अच्छा मैंने ये फील किया कि मैं ना कुछ दिनों से मैंने ऐसे देखा कि मैंने ग्रीन टी, जब से सर्दियां स्टार्ट हुई हैं तो मैंने ग्रीन टी सुबह में आते ही, सबसे पहले ऑफिस आते ही ग्रीन टी पीती हूँ खाली पेट, जिस तरह से आप कह रही हैं। और उसकी वजह ये थी कि मुझे फ्लू हो जाता है। अच्छा। और एलर्जी है मुझे, तो मैं ये कहती हूँ कि चलो यार उससे थोड़ा सा मुझे मैं क्योर होगा और थोड़ा सा अच्छा फील करूंगी, नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे मैं वो पीती हूँ ग्रीन टी, उसके बाद से अब आप मुझे कुछ इश्यूज हो रहे हैं स्टमक के, वो यही वजह है कि आप खाली पेट ग्रीन टी थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ बिल्कुल, ग्रीन टी आप ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं, लेकिन नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद लें, दोपहर के खाने के 2 से 3 घंटे बाद लें। ये आइडियल टाइम है। वैसे आप नाश्ते के 1 घंटे बाद भी ले लें तो कोई मसला नहीं है। नाश्ते के फौरन साथ ग्रीन टी आपने नहीं लेनी। ग्रीन टी मूड को भी एलिवेट करती है, इसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि मूड को एलिवेट करते होते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि वेट लॉस कराती है, या सच वेट लॉस नहीं कराती, लेकिन अच्छा। ये हेल्दी रखती है इंसान को, थोड़े से उसकी एपिटाइट को सप्रेस कर सकती है। हमने तो यही शुरू से सुना था कि अच्छा सा खाना खा लो, उसके बाद ग्रीन टी पी लो, आप थोड़ा सा आपका वेट भी बैलेंस रहेगा। हरगिज ऐसा नहीं है। खाने में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं ग्रीन टी उनके साथ बाइंड कर जाती है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स के साथ बाइंड कर गए और स्टूल के थ्रू पास आउट हो गए, कुछ भी नहीं मिला बॉडी को। अच्छा, तो हरगिज ऐसा नहीं है, ये मिथ है। तो डाइट प्लान क्या होना चाहिए सर्दियों में? जैसा मैंने पहले बताया, नाश्ता तो मैंने बार दिल करता है खाने का, भूख ज्यादा लगती है सर्दियों में आई गेस। हाँ सर्दियों में नहीं, भूख इतनी ज्यादा तो नहीं लगती, मुझे तो इतनी ज्यादा नहीं लगती। आपने तो कंट्रोल किया है ना, शायद आम आवाम की बात कर रहे हैं, उनको तो भूख ज्यादा लगती है। तो फिर चीजें भी बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। जैसे नाश्ता मैंने पहले भी बताया, दूध होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, सीरियल्स वगैरह होने चाहिए। उसके बाद तकरीबन कोई 11-12 बजे के करीब कोई एक फ्रूट खा लें जो कि मौसमी फल है, वो खाना है। हमारे यहाँ एक वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑनर समझा जाता है कि जो मौसम में अवेलेबल नहीं है हमने वो खरीद के खाया। हरगिज़ ऐसा नहीं करना। दोपहर के खाने में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना। सैलड हो, बिल्कुल जितना आप सैलड खा सकते हैं, सैलड बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अगेन उसमें वो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मौसमी चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, मौसमी सब्जियों का आप सैलड बनाएं, उसके बाद 1 से 2 रोटी, जितनी मतलब जाहिर है वो तो हर एक की ज़रूरत है। आयशा ने हमें बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं आज और हमें पता चल गया कि हमें सब्जियों में किस तरह से अपने डाइट को प्लान करना चाहिए, किस तरह से लेकर चलना चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा, आपने हमें अपना वक्त दिया और आपने अच्छे अच्छे टिप्स हमसे शेयर किए। बहरहाल नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है, उसके बाद वापस आते हैं तो मज़ीद गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे।